नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। लाइफ और साइंस को रहस्यमय टॉपिक माना जाता है। इस पर जितना रिसर्च किया जाता है उतना ही इसका रहस्य बढ़ जाता है, साथ ही हमारी जिज्ञासा भी। चाहे आप बच्चे हों या फिर बड़े, कुछ चीजों के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानने के लिए लोग तरह तरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं, लेकिन कभी कभी रहस्यों में ऐसे उलझ जाते हैं कि हमारा दिमाग ही काम नहीं करता। आज हम फैक्टडोज में आपके लिए साइंस से रिलेटेड ऐसे ही मजेदार फैक्ट्स लेकर आए हैं जो आपको हैरान कर देंगे। नंबर वन, ग्लोबल वार्मिंग से दुनिया हो रही है गर्म तो क्यों पड़ रही है इतनी ठंड। देखा जाए तो कई स्टडीज में ये दावा किया जा चुका है कि ग्लोबल वार्मिंग बहुत बुरी तरीके से बढ़ रही है। ग्लोबल वार्मिंग के बाद भी पड़ने वाली ठंड के लिए दुनिया भर में हो रही कुछ अप्राकृतिक घटनाएं जिम्मेदार हैं। धरती के अलग अलग हिस्सों का तापमान एक ही समय पर काफी अलग रहता है, कहीं बहुत ज्यादा गर्मी तो कहीं हाड़ कपाती ठंड पड़ती है। दरअसल धरती पर सूर्य की किरणें अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग तरह से पड़ती हैं, ऐसे में उनका असर भी अलग अलग हो जाता है। धरती के पोलर जोन्स पर सूर्य की किरणें सीधे नहीं पड़ती हैं। सर्दियों में 24 घंटे इन इलाकों में रात रहती है, ऐसे में यहाँ पूरे साल बर्फ जमी रहती है। वहीं धरती के बीच के हिस्से में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने से गर्मी ज्यादा रहती है। पोलर जोन से उलट गर्म क्षेत्र की हवाओं में फैलाव आने लगता है और ये पोलर जोन्स में पहुंचने लगती है। पोलर जोन्स की सर्द हवा कमजोर पड़कर गर्म क्षेत्र की तरफ बहने लगती है। इससे पोलर जोन में तो गर्मी बढ़ती है, लेकिन गर्म क्षेत्र में कड़ाके की ठंडक पड़ने लगती है। नंबर टू, विकिपीडिया में विकी का क्या मतलब होता है? इंटरनेट की दुनिया का भरोसेमंद नाम है विकिपीडिया। इस डिजिटल जानकारी के भंडार में आखिर विकी का मतलब क्या होता है, किसी और ने नहीं बल्कि खुद विकिपीडिया ने बताया है। उसका ये नाम विकी और इंसाइक्लोपीडिया का मिला जुला रूप है। विकी का अर्थ होता है तेज और बहुत जल्दी। हवाईयन लैंग्वेज में विकी का मतलब क्विक या बेहद जल्दी होता है। ऐसे में विकिपीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपके सामने विषय से संबंधित जानकारी तुरंत मिल जाती है। विकिपीडिया ने अपने नाम को साबित करते हुए 62 मिलियन से भी ज्यादा आर्टिकल्स पब्लिश अब तक कर चुका है, जो 300 से भी ज्यादा भाषाओं में है। नंबर थ्री, लाल सागर को क्यों कहा जाता है लाल? क्या वाकई इसी रंग का होता है वो? बता दें कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर माना जाता है। इसमें ना तो कोई नदी आकर गिरती है और ना ही इसमें बारिश होती है। यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है जिससे इसका पानी लगातार उड़ता रहता है। इसमें नमक भी ज्यादा होता है। जहाँ दुनिया के महासागरों में ज्यादातर 35% नमक होता है, लाल सागर में ये 40% होता है। लाल सागर पूरी तरीके से लाल नहीं दिखता है, लेकिन ज्यादातर लोग मानते हैं कि यहाँ ट्रिकोडेस्मियन लिट्रोनेम नाम की लाल रंग की काई होती है। लाल सागर को लाल क्यों कहा जाता है, इसको लेकर एक धारणा भी है। कई जानकार बताते हैं कि इसका संबंध एशिया की कुछ भाषाओं से है, जिसमें लाल रंग का मतलब दक्षिण होता है। नंबर फोर, क्या बीन की धुन पर वाकई नाचता है नाग? कुछ लोगों का कहना है कि नाग या नागिन के सपेरे के बीन पे नाचने की बात बिल्कुल भ्रम है। ऐसे लोगों का मानना है कि सांप बहरे होने के कारण कुछ सुन नहीं सकते। हालांकि ये धारणा भी काफी हद तक गलत है। दरअसल सांप बहरे नहीं होते, लेकिन उनकी सुनने की क्षमता काफी कम होती है। उनके ना तो बाहरी कान होते हैं और ना ही मध्य कान। सांपों को जानवर या इंसान के नजदीक आने की आहट मिलने पर त्वचा की मदद से उस आवाज को महसूस किया जाता है। यही ध्वनि जबड़े की हड्डी से होती हुई भीतरी नली तक पहुंचती है। अब सवाल उठता है कि क्या सांप बीन की धुन पर नाचते हैं या फिर बीन बजवाने पर ही सांप नाचने लगते हैं? तो विशेषज्ञों के मुताबिक सांप बीन की धुन पर कभी नहीं नाचते, क्योंकि इसकी आवाज वो सुन ही नहीं पाते हैं, उनकी इतनी क्षमता ही नहीं होती है। दरअसल सपेरे धुन निकालते समय बीन को खास अंदाज में घुमाते हैं और नाग या नागिन उसी मूवमेंट को देखकर उसे दोहराता है। इससे लोगों को ऐसा लगने लगता है कि सांप बीन की धुन पर नाच रहा है। नंबर फाइव, घर में पड़ा लोहे का सामान हो जाता है कबाड़, फिर रेल की पटरियों पर क्यों नहीं लगती जंग? भारत में रेलवे परिवहन का सबसे बड़ा माध्यम है। देश में हर दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा लोग ट्रेन से अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। भारत में रेल मार्ग की लंबाई करीबन 1.25 लाख किलोमीटर है। ऐसे में रेलवे ट्रैक का दुरुस्त होना बेहद जरूरी है। अगर रेल पटरियां जंग पकड़ेंगी तो कमजोर होने लगेंगी और इससे दुर्घटना होने का खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लिहाजा रेल की पटरियां बनाने के लिए विशेष धातु का इस्तेमाल किया जाता है। रेल की पटरियां खास किस्म के स्टील से बनाई जाती हैं, जिसे मैग्नीज स्टील कहते हैं।
इस स्टील में मैंगलॉय को मिलाकर इसे बनाया जाता है। फिर मैगनीज स्टील से ट्रेन की पटरियां बनाई जाती हैं। स्टील और मैंगलॉय के इस मिश्रण को मैगजीन स्टील कहा जाता है। इस वजह से पटरियों पर ऑक्सीडेशन का असर नहीं होता है, लिहाजा कई सालों तक रेल की पटरियों में जंग नहीं लगती। तो ये तो थे आज के कुछ मजेदार और मिस्टीरियस फैक्ट्स। ऐसे ही और फैक्ट्स लेकर हम जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत, हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।